press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम फ्रेंड्स एंड आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर MST। तो अभी मैं MIUI का एक अपडेट आया था Redmi Note 9 Pro पर मेरा फ़ोन पर, वो जो अपडेट मैंने कर चुका हूँ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जो अपडेट वर्जन था 12.0.5.0 RJWINXM। तो यहाँ पे जो अपडेट का साइज था थोड़ा सा कम था 734 का, बट यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोग पहला वाला अपडेट किए थे बट वहाँ पे क्या क्या आपका दिक्कत हो रहा था मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोग फ़ोन में बात करते थे उसके बाद क्या होता था, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक से रिस्टार्ट हो जाता, ऐसा वाला प्रॉब्लम आ जाता था। दूसरा पॉइंट, आपका टच पैड में थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा था, वो जो पहला वाला बहुत ही बग था। बट ये जो अपडेट है यहाँ पे जो आया है, ये अपडेट मैं यहाँ पे इंस्टॉल किया था उसके बाद फ़ोन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे और भी स्क्रीनशॉट मैंने लिया था जब अपडेट कर रहा था, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है लोकेशन इन्फॉर्मेशन कैन बी नाउ रिपोर्टेड ऑटोमेटिकली बिफोर द डिवाइस इज पावर ऑफ। यहाँ पे नॉट ओनली लोकेशन नहीं, यहाँ पे आपका फ़ोन पर कोई भी बग चल रहा है अभी। सपोज समझ लीजिए आपका फ़ोन पर कोई भी बग आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जब आपका फ़ोन आप लोग शट डाउन करोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोन का बग चल रहा है ऑटोमेटिकली रिपोर्ट MIUI की तरफ से भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कोई फ़ोन में कोई भी बग नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं Redmi Note 9 Pro यूज़ कर रहा हूँ, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। आपका जो फ़ोन पर जो जो प्रॉब्लम मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आपका पहला वाला प्रॉब्लम आपको टच पैड में प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा अगर आपका जो आप लोग फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक से काम नहीं करते थे, दूसरा आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते थे, आप लोग देख सकते थे ऐसा वाला प्रॉब्लम। बट उसके लिए MIUI एक अपडेट दे गया है, ये जो अपडेट 12.0.5.0, ये जो अपडेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अपडेट है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही लोगों को पता ही है अगर आप लोग इस अपडेट को दो दिन तीन दिन बाद आप लोग अपडेट करोगे तो क्या होगा, वो अपडेट नहीं आएगा, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से MIUI का फ़ोन पर कोई भी प्रॉब्लम हो, Redmi का कैमरा से लेकर कोई भी हार्डवेयर फार्मवेयर कोई भी इशू हो, वहाँ पे मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप लोग चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो फ्यूचर में लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।